मुस्तोचस्त्री स्वरूपा जैन कारंजा लाड महाराष्ट्र अपनी शंका रख नहीं है। आरिका माता जी कौन से स्वर्ग तक जा सकती हैं? आरिकाएं तप त्याग तपस्या आदि के माध्यम से वह 12वें स्वर्ग तक जा सकती हैं। पुराण आदि में सीता आदि को कहीं 16 स्वर्ग कहीं 12 स्वर्ग दोनों प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार वो 12 स्वर्ग तक अपना उनका जन्म हो सकता है। नमोस्तुचास्त्री त्रिशला जैन इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख नहीं है। लॉकडाउन में मंदिर नहीं जा सकते तो क्या घर में जिनवाणी को सामने रखकर पूजन कर सकते हैं या कि भगवान की मूर्ति आवश्यक है? बहुत बड़ी विडम्बना आ चुकी है यह कोरोना महामारी में कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, गुरुओं के पास नहीं जा पा रहे हैं। पर पूजा पाठ की जो बात है, यदि हमारे पास भगवान नहीं हैं, नहीं जा पा रहे हैं और जिनवाणी हैं तो जिनवाणी को रख कर पूजा कर लो, जिनवाणी भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप अपने आँख बंद करके भगवान को याद कीजिए, जिनालय का याद कीजिए, जिस मंदिर में आप जाते हैं वहाँ का याद कीजिए और उसको स्मरण करते हुए आप यहाँ बैठे ही द्रव्य से पूजा करें। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, हमारे भगवान की पूजा करने के भाव हैं तो चाहे देव शास्त्र गुरु हों चाहे ना हो, उस अवस्था में भी हम भगवान की पूजा आदि कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री तरुणा छावरा गया बिहार से अपनी शंका रख रही हैं। देवों का आहार कितने समय बाद वा कौन सा होता है? देवों का आहार जैसे किसी का 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्ष में, किसी की 7 सागर की आयु है तो 7000 वर्ष में, तो इस प्रकार से उनका 1000 में ऐसा वह आहार का निकलता है। और अमृत रूप आहार होता है। कौन सा आहार होता है? अमृत। हमारे जैसे कबलाहार जैसे कबलाहार नहीं होता है, अमृत रूप आहार होता है। जैसे ही उनको क्षुधा वेदनी का उदय आता है और वह क्षुधा उनकी अमृत से ही कंठ से ही अमृत झर जाता है और उनकी जो क्षुधा है वो शांत हो जाती है। नमोस्तु आचार्य श्री करुणा निरंजन महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। जहाँ देवों की ऊंचाई 2 से 1 फुट की होती है वहाँ के अकृत्रिम चैत्यालय कैसे होते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी होती है? जहाँ पर देवों की ऊंचाई 2-1 हाथ होती है वहाँ भी अकृत्रिम जो चैत्यालय हैं अर्थात जिसमें जो प्रतिमाएं हैं वो 500 धनुष की होती है। ध्यान रखना कहीं भी अकृत्रिम चैत्यालय होगा उसमें जो प्रतिमा का जो नाप है प्रमाण है वो 500 धनुष अवगाहना वाली पद्मासन की ही प्रतिमा होंगी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के क्या होंगे चैत्यालय आदि होंगे। लेकिन चैत्यालय जो हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे चैत्य वृक्ष हैं तो उन चैत्य वृक्षों में जो अपन देखते हैं जैसे जम्बू वृक्ष है जम्बूद्वीप का, शालमली वृक्ष है, उन वृक्षों में जो चैत्यालय हैं वो कोष में हैं, ठीक है ना। बाकी बड़े चैत्यालय जो हैं वो योजनों में हैं, जो कोष वाले हैं तो कोष वाले हैं, वो योजन वाले हैं तो योजन वाले हैं। लेकिन जो प्रतिमाएँ हैं चाहे कोष वाले में हो चाहे योजन वाले में हो, वो जो प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमाएं तो 500 धनुष की जो हैं ऊंचाई वाली ही हुआ करती हैं, चाहे वो सर्वार सिद्धि के देवों के हों चाहे सौधर्मेंद्र के देवों के हों और चाहे वो पृथ्वी लोक में आकृतिम चैत्यालय हों। नमोस्तु आचार्य श्री मंगत राम जैन भिवाड़ी तिजारा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। जीव पर्याय बदलते समय विग्रह गति में श्रेणीबद्ध तरीके से ही क्यों चलता है, तिरछा क्यों नहीं चलता? आकाश की जैसी अनुश्रेणियाँ होती हैं उसी अनुश्रेणी में ही जीव का गमन होता है, ऐसा आगम में प्राप्त होता है। तो अनुश्रेणियाँ आकाश की कैसी हैं? सीधी सीधी हैं, इस प्रकार से ऐसी तिरछी तिरछी नहीं हैं। तो उसी श्रेणी के अनुसार ही उसी पंक्ति के अनुसार ही जीव का जो है मरण होने के बाद विकृति में वैसा गमन होता है। नमोस्तु आचार्य श्री दीपिका जैन मुंबई बोरीवली महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। तीर्थंकर का निर्माण जहां से होता है वह वहां पर निर्माण के कुछ समय पहले ही पहुंच जाते हैं तो क्या तीर्थंकर को पहले से पता चल जाता था क्या? देखिए तीर्थंकरों का जहां निर्माण होना है और वो तीर्थंकर जहां से निर्माण को प्राप्त होना है वो वहां पर पहुँच जाते हैं, ये सब कुछ सहज रूप से है। जैसे बादलों का जाना और रुक करके बरस जाना
ये बादलों की सहज क्रिया है। इसी प्रकार से तीर्थंकर का विहार होकर के जाना, जहाँ पर पुण्य उदय भव्य जीवों का है वहाँ पर रुक जाना, ये सब सहज रूप से है। वो इच्छा पूर्वक उस स्थान पर नहीं जाते हैं जहाँ मेरे से निर्माण होना है, चलो अब निर्माण का स्थान ये है, अब मुझे वहाँ की ओर गमन करना चाहिए, अब मेरा वहाँ से निर्माण होने वाला है, ऐसा वो ज्ञात नहीं करते हैं। वो तो आत्मज्ञ हैं, वो तो अपने आत्मा के ज्ञानानंद में जो है लीन हैं। उनके ज्ञान में यद्यपि सब झलकता है लेकिन वो सोचते नहीं हैं, क्योंकि सोचना जो है वो मोहिनी कर्म के उदय से होता है, और चूँकि मोहिनी कर्म का तीर्थंकर का क्या है, अभाव हो चुका है, उनका सहज रूप से वहाँ पर जाना होता है। जैसे ही उनका समय आयु कर्म का समाप्त होने वाला होता है वो वहाँ पर रुक जाते हैं। वहाँ पर अपने खड़गासन या पद्मासन रुक करके अपना आत्म ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञात है कहाँ से मोक्ष है, लेकिन वो उस ज्ञात कारण वहाँ जाकर रुकते हैं ऐसा नहीं है। उनका जाना, उनका आना, उनका बैठना, उनका उठना, उनका बोलना, ये जो क्रिया है कर्म के उदय से होने वाली क्रिया होती है, उनकी औद्योगिक क्रिया होती है, जिसके कारण सब कुछ सहज रूप से उनके कार्य होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नीरा जैन अंबाला छावनी से अपनी शंका रख रही हैं। जब ऊपर के देवों में स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय लेश्या आदि अधिक होती है तो पंचकल्याणक व बड़े प्रधान आदि में सौधर्म इंद्र को ही अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? यद्यपि ऊपर के देव जो हैं वो अधिक पुण्यशाली हैं, क्योंकि उनका सुख, उनकी लेश्या, उनकी द्वितीय, उनका रीति वैभव अधिक अधिक है, लेकिन सौधर्म इंद्र जो है वह अधिक जो है भाग्यशाली है। पिछले भाव में जो उसने पुण्य किए हैं उसके प्रभाव से तीर्थंकरों के नज़दीक निकट रहना, पंच कल्याणक में सर्व भूमिकाओं को निभाना, यह उसके अपने भाग्य का उदय है, अपने व्यक्ति विशेष के भाग्य का उदय है। पुण्य के उदय से स्वर्ग आदि मिलना ऊंचे ऊंचे ये एक अलग बात है, लेकिन अपना स्वयं के आत्मा का जो लगाव तीर्थंकर के प्रति होता है सौधर्म इंद्र का, उतना औरों का नहीं होता है। इसलिए सौधर्म इंद्र जिसने पिछले भाव में ऐसे तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने के भाव या त्याग तपस्याएं की थी, जिसके कारण सौधर्म सौ सौ जो देवों का भी जो धर्म अकेले कर लेता है वो सौधर्म इंद्र होता है, इसलिए वो भाग्यशाली होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, अंकिता जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। छह आवली काल कितना होता है? काल की सबसे छोटी इकाई समय होती है, असंख्यात समयों की एक आवली होती है, असंख्यात समयों की, ऐसे असंख्यात समय, फिर असंख्यात समय, ऐसे छह असंख्यात समय, तो वो छह आवली हो जाएगी। तो असंख्यात समयों की एक आवली, ऐसी छह आवली का प्रमाण मानना। नमोस्तु आचार्य श्री, इंजीनियर पीसी जैन गुना से अपनी शंका रख रहे हैं। समोसरण में बैठे दो हिंसक दुश्मनों सर्प और नेवले के अहिंसक परिणाम कैसे होते हैं? वैसे ही परिणाम होते हैं जैसे आपके, आपका कोई दुश्मन हो और वो भी आकर के महाराज जी के प्रवचन में बैठ जाए और आप भी आकर के बैठ जाओ, तो आप महाराज जी के प्रवचनों में इतने लीन हो जाते हैं तो कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है सब भूल जाते हैं। उस समय आप भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, गुरु की भक्ति में लग जाते हैं, तो उस समय किसी प्रकार का बैर विरोध का भाव उत्पन्न ही नहीं होता है, उपयोग सिर्फ गुरु भगवान की भक्ति में रहता है। ऐसे ही समोशरण आदि में जो जन्मजात वैरी जीव हैं वो भी वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन भगवान को अपलग दृष्टि से निहारते हैं, कानों से भगवान की दिव्यवाणी को सुनते हैं, गणधरों के उपदेश को सुनते हैं और अपने कल्याण में लगे रहते हैं, तो कहीं भी किसी प्रकार का जो विरोधी जीव है उसके प्रति परिणाम ही नहीं जाता है, तो उनके जो परिणाम हैं वो भद्र परिणामी होते हैं, वो शांत स्वभावी होते हैं। और भी चूँकि वहाँ पर किसी प्रकार का भूख प्यास आदि की क्षुधा की बाधा नहीं सताती है, तो कोई भी जीव आपस में बैर विरोध आदि भी नहीं रखते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण के कारण और साक्षात तीर्थंकर के उपस्थिति होने के कारण
सारा का सारा उपयोग धर्म ध्यान में लगा रहता है तो जीव के बैर रूप परिणाम ही नहीं जाते हैं, शांत और समता रूप परिणाम वहां पर रहते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।